परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, एक्सपोज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाक गोलीबारी में सीमा पर बड़ा तनाव, जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। सीमा पर पाकिस्तान की फायरिंग में चार जवानों की शहादत का मुद्दा सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी जोर शोर से उठा। सीमा पर पाकिस्तान के उकसावे वाली इस कार्रवाई और लगातार सीज फायर उल्लंघन के मुद्दे पर जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं बीजेपी विधायक ने सदन में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाक के इस नापाक हरकत के खिलाफ विधानसभा में सभी का गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। बता दें कि रविवार को पाकिस्तानी फायरिंग और छोटी मिसाइलों से किए गए हमले में सेना के 23 वर्षीय कैप्टन कपिल कुंडू समेत चार सैनिक शहीद हो गए। इस हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश चारों तरफ साफ साफ दिखा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इसके लिए माफ नहीं किया जा सकता। अहीर ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। उधर सोमवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक रविंद्र रैना ने सदन में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और इस दौरान विपक्ष ने भी सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे सीज फायर उल्लंघन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। वहीं सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद ने भी पाक के इस नापाक हरकत पर पलटवार करते हुए साफ साफ कहा है कि वह जवाबी कार्रवाई बिना कुछ कहे होता है। मुझे लगता है कि इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई से सब कुछ साफ हो जाएगा। उधर पाकिस्तान की ओर से सोमवार को भी सुबह से ही गोलीबारी जारी है। सीमा पार से फायरिंग के मद्देनजर सेना ने बॉर्डर के इलाकों में 84 स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। बीते 40 दिनों में गुड़गांव के कैप्टन कुंडू पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद होने वाले दूसरे सैन्य अफसर हैं। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.